नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? बच्चों, तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है? क्या तुम्हें घूमना अच्छा लगता है? बाजार जाना, बगीचे में पिकनिक मनाने भी जाते हो, और तुम्हारे गांव या शहर में जब मेला लगता है तो तुम मेला घूमने भी जाते हो। मेले को मड़ाई भी कहते हैं। मेले में तरह तरह के झूले होते हैं, तरह तरह के बाजार होते हैं, खेल खिलौने होते हैं और खाने पीने की वस्तुएं भी बिकती हैं। तो आओ बच्चों, आज हम आपके पुस्तक का पाठ 11 मड़ाई मेला पढ़ेंगे। मड़ाई मेले में क्या क्या हुआ? आज हमारे गांव में मड़ाई मेला है। बुधिया, सुखवारो और संगीता आज सुबह से ही मेले में जाने के लिए तैयार हैं। आप लोग भी जाते हो ना, जब आपको मेला जाना रहता है तो आप भी पहले से तैयार हो जाते हो। तो वैसे ही बुधिया, सुखवारो और संगीता भी सुबह से मेले में जाने के लिए तैयार हो गए। चैतू, मंगल और समारू भी तेल कंघी कर तैयार हैं। सभी बच्चे खाना खाकर मेला देखने चल पड़े। वे मेले के करीब पहुँचे तभी उन्हें रहचुली की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। रहचुली मतलब होता है एक प्रकार का लकड़ी का झूला। जल्दी जल्दी चलकर सब मेले में पहुँचे। सभी झूले के पास जाकर डट गए। जैसे ही झूला रुका, सभी बच्चे बैठने के लिए कूद पड़े। आप लोग भी वैसे ही करते हो ना, जब झूला रुकता है तो दौड़ पड़ते हो उसमें बैठने के लिए। तो वैसे ही वे बच्चे भी झूले में बैठने के लिए कूद पड़े। बैठ जाने के बाद झूला शुरू हुआ। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। समारू को बहुत डर लग रहा था। कुछ लोगों को लगता है ना, आप में से भी कुछ लोगों को लगता होगा, उसने अपना मुंह छिपा लिया था। सभी झूला झूलकर वहां से आगे बढ़े। उतने में दफड़ा, निशान और मोहरी बाजे की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। दफड़ा, निशान और मोहरी एक प्रकार का बाजा है जिसकी आवाज़ सुनाई देने लगी। सभी ओर खुशी का शोर उठा। मड़ाई आ गई, मड़ाई आ गई। सुंदर सुंदर रंग बिरंगी पोशाकों और फूल मालाओं से सजे राउत लोगों का समूह दिखाई पड़ा। सभी लोग बाजे की धुन पर नाचते हुए आगे बढ़ रहे थे। राउतों के मुखिया के हाथ में मड़ाई थी। राउत लोग इसे गांव से परघाकर मेले में लेकर आ गए थे। मड़ाई को मेले में गाड़कर लोग उसकी पूजा करते रहे। राउतों का नाच बाजे गाजे के साथ चल रहा था। अब मेला पूरी तरह से भर चुका था। मेले में तरह तरह की दुकानें थी। रंगीन फुग्गों से मेले में बाहर आ गई थी। बच्चों ने गुलगुला, भजिया, मुर्रा लड्डू, करी लड्डू खरीदे और खाते हुए घूमते रहे। आप लोग भी मेला जाते हो तो ये सब खाते हो ना, तो वैसे ही उन लोग भी खाने लगे। सुखवारों ने जलेबी खाई। समारू एक बड़ा सा गन्ना खरीद लाया। गन्ने के टुकड़े बनाकर सभी गन्ना चूसते रहे। सभी बच्चे खिलौने की दुकान पर पहुंच गए। सुखवारों ने जहाज, संगीता ने गुड़िया और बुधिया ने रेल खरीदी। चैतू ने मोर, मंगल ने कार और समारू ने एक बड़ी गेंद ली। सब बच्चे घूम घूम कर सामान खरीदते रहे। अंत में सभी ने तरह तरह के फुग्गे खरीदे। सभी बच्चे एकत्र हो जाने के बाद वापस घर की ओर चल पड़े। वे बहुत खुश लग रहे थे। तो बच्चों, आपको मड़ाई मेला पाठ पढ़ने में मज़ा आया ना? देखा आपने कैसे बच्चों ने खूब मज़े किए, खिलौने खरीदे, तरह तरह की मिठाइयाँ खाई। आप लोग भी मेला जाते होगे तो ऐसे ही करते होगे ना, खूब मज़े करते होगे। तो बच्चों, चलो अब हम कुछ अभ्यास के कार्य करते हैं। पहला प्रश्न है, राउतों के मुखिया के हाथ में क्या था? सोचो जरा, राउतों के मुखिया के हाथ में क्या था? हाँ, राउतों के मुखिया के हाथ में मड़ई थी।
अगला प्रश्न है, मेले में लोग किसकी पूजा कर रहे थे? हाँ, मेले में लोग मड़ई की पूजा कर रहे थे। अगला प्रश्न है, राउत लोगों की पोशाक कैसी थी? बताओ, कैसी थी राउत लोगों की पोशाक? हाँ, राउत लोगों की पोशाक सुंदर, रंग बिरंगी और फूल मालाओं से सजी हुई थी। अगला प्रश्न है, बच्चों ने मेले में क्या क्या खाया? बताओ, क्या क्या खाया? आपने सुना ना कहानी, क्या क्या खाया? बच्चों ने मेले में गुलगुल भजिया, मुर्रा लड्डू, करी लड्डू खरीदे एवं जलेबी और गन्ना खाया। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई चीज़ें किस रंग की होती हैं? बच्चों देखो, नीचे दो खंड दिया हुआ है, एक में चीज़ें लिखा हुआ है और एक में रंग। पका टमाटर, श्याम पट, नीम के पत्ते, मूली, सूरजमुखी का फूल। तो बताओ, इन सभी का रंग कैसा होता है? पका टमाटर लाल रंग का, श्याम पट बताओ कौन से रंग का होता है? श्याम पट काला रंग। नीम के पत्ते हरा, मूली सफ़ेद, सूरजमुखी का फूल बताओ सूरजमुखी का फूल कौन से रंग का होता है? पीला। अगला प्रश्न है, मैं या तुम लगाकर वाक्य पूरा करो। का खाली स्थान रायपुर जा रहा हूँ, बताओ इसमें मैं लगेगा कि तुम लगेगा? हाँ, इसमें मैं लगेगा, मैं रायपुर जा रहा हूँ। खा खाली स्थान नहा रहे हो, क्या लगेगा इसमें? मैं लगेगा कि तुम? हाँ, इसमें लगेगा तुम नहा रहे हो। अगला, खाली स्थान पढ़ रहा हूँ, बताओ इसमें क्या लगेगा? हाँ, इसमें लगेगा मैं पढ़ रहा हूँ। अगला, खाली स्थान रायपुर जाओ, इसमें क्या लगेगा? इसमें लगेगा तुम रायपुर जाओ। अगला है, खाली स्थान कहाँ जा रहे हो, बताओ इसमें क्या लगेगा? हाँ, इसमें लगेगा तुम कहाँ जा रहे हो। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में से समान ध्वनि वाले शब्दों को छांटकर शब्दों की रेल बनाओ। देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों में से समान ध्वनि वाले शब्दों को छांटकर तुम्हें इस रेल में लिखना है। तो देखो क्या क्या शब्द दिया हुआ है, गेंद, मेला, रेल, ठेला, मोर, केला, बेला, कार और चेला। अब हमको इसमें से समान ध्वनि वाले शब्द को छांटना है, तो चलो छांटते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे मेला, फिर क्या आएगा? हाँ, उसके बाद आएगा ठेला, उसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद समान ध्वनि कौन सा है? मोर है क्या? नहीं ना। अगला, केला लिखा हुआ है, केला है क्या समान ध्वनि? हाँ, तो अगले डिब्बे में केला आ जाएगा। उसके बाद देखो, बेला आएगा क्या? हाँ, अगले डिब्बे में क्या आ जाएगा? बेला आ जाएगा। उसके बाद देखो क्या आएगा, कार आएगा क्या? नहीं ना, कार नहीं आएगा। अब क्या बच गया? अब बचा चेला, तो चेला आएगा क्या? हाँ, तो अगले डब्बे में हम भर देंगे चेला को। तो बच्चों, अब आप मेला भी घूम लिए, अभ्यास कार्य के प्रश्न भी कर लिए, अब हम कुछ गृह कार्य के प्रश्न देते हैं जिनको आपको करना है। गृह कार्य का पहला प्रश्न है, खिलौने की दुकान में तुम क्या क्या खरीदोगे? अगला प्रश्न है, गत्ते, कागज और माचिस की डिब्बियों से रहचुली बनाओ। अगला प्रश्न है, मड़ई मेला का भ्रमण कर अपना अनुभव अपनी कॉपी में लिखो। अगला प्रश्न है, अपने गांव शहर के मेले का चित्र कॉपी में बनाओ। अंतिम प्रश्न है, शब्दों के अर्थ अपनी भाषा में बताओ। करीब, पोशाक, एकत्र, मुश्किल और रहचुली। ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में।